Even for a light bulb, light just isn't enough. But this was only the beginning. It all starts with light. The idea. It has changed history and the way man lives his life. It's about what you can see, what you can be. Because even for a light bulb, light just isn't enough. This is our story. मोहम्मद सलीम सिराज अंसारी है, अम्बुजवाड़ी रहवासी, अम्बुजवाड़ी विकास समिति का प्रेसिडेंट हूँ मैं। और ये अम्बुजवाड़ी बसी हुई लगभग 20 साल से हम लोग यहाँ पे है। और 20 साल में स्थिति इस तरह का था कि ना यहाँ पे लाइट था, ना कोई सुविधा था। टाटा पावर का मेहरबानी हुआ और उन्होंने बारिश ऐसे टाइम पे जबकि काम नहीं होता है, बोलना भी नहीं चाहिए, लेकिन उनके इतनी ममता और इतना मतलब ये हुआ लोगों के अंदर में कि यहाँ वाकई लाइट की जरूरत है और लोग काफी परेशान है। इसलिए पूरी टाटा कर्मचारी ने जी जान लगा करके रातों दिन मेहनत करके और आज लगभग हमारा अम्बुजवाड़ी के अंदर में जहाँ पे बिजली का त्रस था लोगों को, आज लगभग 5000 से 7000 तक के मीटर उपलब्ध कर दिए हैं। आने वाले का मेहरबानी था कि आ गया, लाइट के लिए हम लोग भी बहुत खुश हैं। नहीं तो रात के दिन के कभी भी नींद नहीं आता था, बराबर बच्चे लोग की पढ़ाई बराबर नहीं हुई, खाली अंधेरा की वजह से, इसके वजह से बच्चे पढ़ भी नहीं पाए बराबर। अब आ गया लाइट तो जो बच्चे के आगे की है उसका अब देखना है। लाइट के लिए बहुत खुश हो गए हैं। मेहरबानी है कि आज लाइट है तो हमारे बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे हैं। घर के अंदर इतनी गर्मी होती थी कि और हम लोग बाहर बैठते थे, क्या करते, आधी रात तक हम लोग बाहर बैठे गुजारा करते थे। अभी लाइट है तो इतनी खुशी है कि हम लोग घर के अंदर तो सब छुपा के बैठ सकते हैं। तो लाइट की इतनी तकलीफ थी कि अंधेरे में हम लोग क्या कर सकते थे। बहुत ही हम 14-15 साल से यहाँ पर, हम अभी पहले अभी तो है इधर 6 महीना या 6-7 महीना तो हुआ ही होगा तो उससे बहुत ही आराम हो गया, बहुत सुकून भी है। सब ठंडा पानी भी थोड़ा पीने को मिलता है, घर भी अच्छा बना रहे हैं सब। धीरे धीरे धोनी के घर में रहते रहते भी थोड़ा गर्म होता था, ठंडा लाता था। अभी लाइट की मेहरबानी से हम लोग तो घर भी अच्छा बना रहे। हम लोग अभी सामने में देख रहे हैं पूरी बस्ती में उजाला ही है, रात को उजाला। दिन में जो भी कठिनाई होती थी जैसे पंखे का हवा ना मिलना, इसी से महरूम थे यहाँ के लोग। आज पंखे का हवा खा रहे, ठंडे पानी पी रहे, और भी ये लाइट से सुविधाएं जो होने वाली थी वो सब घर में, कई घरों में आपको देखने को मिलेगा। ये सब टाटा पावर का देन भी है। नहीं दिया टाटा ने जो आके यहाँ पे जो कार्य किया है उसका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद है। जो पब्लिक को आज लाइट की सुविधा जो मिली है ना, ये बहुत धन्यवाद है इसके, यही मेरा बोलना है बस, और कुछ नहीं करना है। और आज मैं खुद इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, वो समझ लो कि एक सबसे बड़ा मुद्दा है वो है मेरा टाटा पावर की, मुझे मतलब कि आज इंजीनियरिंग पे खड़ा किया, क्योंकि मैं अभी फर्स्ट 12th किया लास्ट ईयर, बट मेरा 12th में लास्ट एग्ज़ाम के टाइम पे जब लाइट आया तब मुझे मतलब कि ज़्यादा टाइम मिला कि मैं आराम से नाइट में भी पढ़ सकता हूँ। बट अभी ये टाइम पे मैं इंजीनियरिंग भी कर रहा हूँ, कॉलेज भी जा रहा हूँ, और इवनिंग के टाइम पे मैं ट्यूशन भी दे पा रहा हूँ, क्योंकि ये टाटा पावर ने लाइट प्रोवाइड की है जिससे मैं 10 बच्चे को पढ़ा सकता हूँ। इतना बोलकर थैंक यू वेरी मच। युवा पीढ़ी को तो अब ज़्यादातर वो आजकल की टेक्नोलॉजी पर डिपेंड रहते हैं, उनका म्यूजिक सिस्टम हो गया या मोबाइल वगैरह। पहले मोबाइल की चार्जिंग इंसान दूसरे से जा करके 5-5 रुपये दे करके बैटरी चार्ज कराते थे, अब उनके लिए वो अच्छा हो गया है। टाटा की लाइट आ गई, अभी बच्चे को क्या है कंप्यूटर क्लास करा सकते हैं ना, सिखा सकते हैं। कोई बच्चे बोलते थे पढ़ने के लिए लाइट नहीं, मम्मी कैसे पढ़ेंगे, लड़के को दिखाई नहीं देती है, तो यही बोलते थे कि चलो बच्चे अगर सबर रहेगा तब मेरे को मिलेगा। एक बात तो और है कि मतलब ये जरूरी था बोलना कि क्योंकि जब हम लोग रास्ते से गुजरते थे तो हर गली चौड़ा बहुत अंधेरा लगते थे, तो काफी डर लगता था कि कोई
टपोरी या कोई हमला ना करे, कोई कुछ ऐसा मतलब हम लोग को उल्टा सीधा ना कुछ कांड हो जाए। लेकिन अभी हर जगह मोहल्ले में हर जगह में लाइट एक एक दो दो लगाते हैं घर में अपने, बाहर तो भी इतना रौनक के 11 12 बजे 1 बजे रात तक हमारे बच्चे उच्चे गली में खेलते कूदते और अभी बिंदास रहते, आदमी भी कहीं जाते परवाह नहीं लगता है कि मतलब कहीं चले गए तो डर है। दरवाजा 11 बजे 1 बजे रात तक खुला रखती हूँ, अल्लाह का शुक्र है कि अभी बहुत डर भाग गए हैं, हर कुछ एकदम क्लियर हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद मैं टाटा वाले को फिर से करना चाहती हूँ। तुम बताओ अपने पढ़ाई लिखाई बारे में, लाइट आने के बारे में, कैसे लाइट पानी हुआ अपने टाटा पावर ने अपने लाइट दिया, कैसा लगा अपने को? अच्छा लगा, अच्छा लगा, अच्छा पहले से पढ़ाई करेगा ना, पढ़ाई करोगे, क्या बनना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो आप? लाइट आ गई, दिन रात मेहनत कर सकते हो, पढ़ाई लिखाई कर सकते हो, क्या बनना चाहते हो? डॉक्टर ही बनेंगे, डॉक्टर बनोगे, वेरी गुड। तुम क्या बनोगे? सीआईडी, बहुत अच्छा, पढ़ाई लिखाई करने का बहुत अच्छा है। अब तुम क्या बनना चाहते हो? इसी तरह से हर आदमी का सपना है कि कोई कुछ बने। टाटा पावर जिंदाबाद, टाटा पावर जिंदाबाद के माध्यम से और सपोर्ट्स में आपने जो ये इतना बड़ा कार्य कर्ण किए हैं, आपने एक बेमिसाल काम हुआ है। हम लोगों ने 22 साल तक झुग्गियों में नमाज पढ़ करके, झोपड़े में नमाज पढ़ के दुआ मांगते थे, हे अल्लाह तू इस पूरे बस्ती में एक दिन तू उजाला कर दे। तो 20 साल प्रार्थना करने वाला एक इमाम, मस्जिद में नमाज पढ़ाने वाला, एक दिन उसने मालिक ईश्वर ने सुना और इस तरीके से आज जो देख रहे हैं कैबिल का, घर घर मीटर का, तो आज हम यही दिल में सोचते हैं कि मालिक ने हमारी प्रार्थना, हमारी दुआ सुन ली।